अभी पीछे देख वो क्या है। दोस्तों आपको तो पता है भगवान हर जगह है। कई लोगों से आपने सुना होगा कि भगवान ने उनकी काफी मदद की है और उन्हें बड़े बड़े चमत्कार दिखाए हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चमत्कार कैमरे में भी दिखाई दिए और इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे जिसमें भगवान का चमत्कार रिकॉर्ड हो गया। ये फुटेज काफी रेयर है और सभी को देखने के लिए नहीं मिलती, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान सच में हमारे आसपास मौजूद है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसे हैदराबाद में रिकॉर्ड किया गया था। दिखने में ये वीडियो एकदम आम सा लगता है जिसे रात में कैप्चर किया गया है, लेकिन इसमें एक ऐसा दृश्य छुपा हुआ है जिस पर नजर पड़ने के बाद आप उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। आप में से कई लोगों ने उस दृश्य को अभी तक देख लिया होगा, अगर नहीं तो आप इस दीवार पर देखिए। इस सफेद दीवार को ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि इस पर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है और ये ऐसे ही नहीं बनी बल्कि बगल के इस पेड़ की छाव की वजह से ये प्रतिमा तैयार हुई जो कि एकदम अद्भुत नजारा है। गाइज हमारी अगली क्लिप कृष्णेश्वर महादेव जी के मंदिर में रिकॉर्ड की गई जो कि महाराष्ट्र के वेरुल में मौजूद है। और यहाँ की खास बात यह है कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से ये भी मंदिर एक है जहाँ पर कई पुजारी बैठे पूजा कर रहे थे और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी हैरान हो गए और आपको भी यही लगेगा कि सच में भगवान वहाँ मौजूद है। तो देखा आपने, पूजा करते वक्त अचानक से एक फूल नीचे गिर जाता है जो कि एक चमत्कार है। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में इस तरह के कई चमत्कार होते रहते हैं। अभी जो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं उसे केरला के एक मंदिर में रिकॉर्ड किया गया था। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की गई तब वहाँ के लोगों को आसमान में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो बिल्कुल भी आम नहीं है। जब इस मंदिर में पूजा शुरू होते ही आसमान में एक चील मंदिर का चक्कर लगाते हुए दिखाई दी। पहले लोगों को लगा कि ये चील किसी का शिकार करने के लिए ऐसी हरकत कर रही है, लेकिन बाद में ऐसा रोजाना होने लगा। जब भी इस मंदिर में आरती शुरू होती तब ये चील अचानक से मंदिर के ऊपर आकर चक्कर करने लगती। लोगों का कहना है कि ये चील भगवान जी से मिलने के लिए ऐसी हरकत कर रही है। सच में कमाल हो गया, भगवान हर जगह मौजूद है। और इसका एक और किस्सा आप अभी देखिए। ऐसा कुछ हुआ तमिलनाडु के तिरुवल्लूर इलाके में जब नीम के पेड़ को खोदा जा रहा था, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने पाया कि पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद है जिसे वहाँ से बाहर निकाला गया और पुजारियों द्वारा उसकी पूजा की गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस पेड़ के आजू बाजू में खुदाई क्यों की जा रही थी, तो हम आपको हैरान कर देने वाली बात बताते हैं कि इस गाँव के एक पुजारी को रात में सपना आया था और सपने में उसने देखा कि इस नीम के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद है। पुजारी ने सपने को सपना न समझकर एक संदेश समझा और तुरंत गाँव वालों को बताकर पेड़ के आसपास खुदाई करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनका सपना सच हो गया। सुनने में ये बिल्कुल भी सच नहीं लगता, लेकिन आपको बता दें ये घटना पूरी तरह से सच है। अभी हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं उस वीडियो को एक व्यक्ति ने 2015 में रिकॉर्ड किया था जिसे देखकर आप भी भावुक होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि इस क्लिप में देखा जा सकता है कि काली माता के आंखों से आंसू आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी आम बात नहीं है। ये काफी बड़ा चमत्कार है। जब व्यक्ति ने यह नजारा देखा तो वो काफी भावुक हो गया और रोने लगा, जिसके बाद उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ताकि बाकी सभी लोगों को भी काली माता का यह चमत्कार देखने का मौका मिले। हो सकता है कि उस टाइम बारिश में दीवार से पानी गिर रहा होगा, लेकिन आप ही सोचिए बराबर माँ के आंखों के उधर पानी गिरना कितनी बड़ी चमत्कार की बात है। गाइस हमारी अगली क्लिप जरा ध्यान से देखना जिसमें आप देख सकते हैं कि साईं बाबा जी के मंदिर में आरती चल रही होती है और आरती के वक्त वहाँ के लोगों को एक ऐसा नजारा
देखने के लिए मिला जिसे आमतौर पर देख पाना मुश्किल है। जब इस मंदिर में आरती चल रही थी तब वहाँ ये कुत्ता आता है और जोर से भौंकने लगता है। ऐसा माना जाता है कि आरती या फिर पूजा के वक्त कोई भी जानवर उस आरती में शामिल होता है तो उस मंदिर में या उस जगह पर भगवान खुद प्रकट हुए हैं। कहते हैं भगवान हमेशा इस बात का संकेत देते हैं कि वो हमारे साथ है, और ऐसा ही एक लाइव मोमेंट सीसीटीवी में भी कैद हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि श्री स्वामी समर्थ जी के मंदिर में पूजा हो रही थी और इस पूजा के दौरान एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। शुरुआत में तो सब कुछ आम जैसा दिन दिख रहा था, लेकिन कुछ देर बाद श्री स्वामी समर्थ जी को चढ़ाया हुआ हार अचानक से नीचे गिर जाता है और यहाँ बैठे पंडित जी भी अचानक से चौंक जाते हैं, क्योंकि ये हार ऐसे ही कभी नहीं गिरता, इसलिए उसे प्रसन्नता और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। तेलंगाना में स्थित जहीराबाद के एक मंदिर में लगाए सीसीटीवी में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। ऐसा क्या हुआ सीसीटीवी में, चलिए देखते हैं। ये फुटेज मंदिर के गेट पे लगे कैमरे की है जिसमें आप देख सकते हैं कि साईं बाबा जी जैसे कपड़े पहने हुए और ठीक उन्हीं के जैसे दिखने वाले एक शख्स मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये होने के बाद बाबा अंदर आते हैं और पुजारी जी से कहते हैं कि वो पूजा करे, जिसके बाद पुजारी जी पूजा करने के बाद बाबा वहां से चले जाते हैं। ये दृश्य बिल्कुल भी आम नहीं, क्योंकि साईं बाबा के रूप में आए इस शख्स ने मंदिर में सीधा आकर पूजा करने के लिए कहा था और वहां से निकल भी गए, जिससे यही लगता है कि खुद साईं बाबा जी के पैर इस पृथ्वी पर पड़े हैं। हमारी अगली क्लिप अंजनीय स्वामी के मंदिर में रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें एक पुजारी जी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे, लेकिन पूजा करते दौरान एक घटना ऐसी हुई जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल जब पुजारी जी पूजा कर रहे थे तब अचानक से हनुमान जी के पास रखा हुआ फल नीचे गिर जाता है, जिस पर लोगों का यह मानना है कि इस फल में हनुमान जी का आशीर्वाद है। गाइस, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। ये बात तो आप भी जानते हैं कि शिवलिंग के पास नाग होता है और वैसा ही नजारा हमें लाइव देखने के लिए मिला। यकीन नहीं होता तो यहाँ देख लो, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक नाग इस घर के मंदिर में रखे शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। इस नजारे पे भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। घर के मालिक ने कहा कि उसने ऐसा नजारा इससे पहले कभी नहीं देखा। इतना ही नहीं, जब भी कोई इंसान शिवलिंग को छूने की या फिर पास जाने की कोशिश करता तब ये नाग उसे डरा कर पीछे कर देता है। बाद में रेस्क्यू टीम ने वहां आकर नाग को वहां से निकाला और जंगल में छोड़ दिया, जिस वजह से कहा जाता है कि उस दिन नाग देवता खुद शिवलिंग की रक्षा करने पहुंचे थे। अभी जो क्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस बिल्ली को देखिए जो बड़े आराम से इस कुशन पर बैठी दिखाई दे रही है। ये बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं, बल्कि इसे कैट मॉन्क कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये बिल्ली रोजाना बुद्धा के सामने बैठकर प्रे करते नजर आती है। इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्ली अपने दोनों हाथों को जोड़कर और अपनी आंखें बंद करके बुद्धा के सामने बैठी है। दरअसल इस बिल्ली का नाम हेतल है और ये कुछ सालों पहले बुद्धा टेम्पल के आसपास काफी जख्मी हालत में पाई गई थी। इसे मॉन्क ने अडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद ये बिल्ली बुद्धा के बताए रास्ते पर चलने लगी। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये बिल्ली मीट यानी नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल भी नहीं खाती। कई लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, जिस कारण बिल्ली के सामने कई तरह के अलग अलग नॉनवेज आइटम रखे गए, जिसे इस बिल्ली ने छुआ तक नहीं और वहां से भागकर बुद्धा के पास चली गई। खाने की बात करें तो ये सिर्फ वेज फूड्स को खाना पसंद करती है। इस बिल्ली ने उसके बाद कभी किसी जीव का शिकार भी नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि ऐसा करना गलत माना जाता है। और तो और जब भी बुद्धा विहार में घंटा बजता है तब ये तुरंत भागते हुए प्रे करने के लिए वहां पहुंच जाती है। इस बिल्ली की हरकतों से यही लगता है कि इसे मॉन्क ने नहीं बल्कि खुद भगवान गौतम बुद्ध जी ने अडॉप्ट किया है।
जब भी किसी जगह प्राकृतिक आपत्ति आती है तब कई लोगों का यही मानना होता है कि यह हम इंसानों की गलती की वजह से हुआ है और भगवान हम पर क्रोधित है। आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ कहने की बात है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि 2015 में जब फिलीपींस देश के एक शहर में काफी बड़ा बवंडर आया और वह बवंडर सभी घरों को तबाह करने लगा, तब वहां के लोग काफी डर गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि प्रार्थना शुरू करने के बाद कुछ सेकंड बाद ही आसमान में एक अद्भुत रोशनी चमकने लगी, जिसके बाद बवंडर अचानक से गायब हो गया। और वो चमकदार रोशनी भी चली गई। वहाँ के लोगों का कहना है कि जीसस क्राइस्ट खुद उन्हें बचाने के लिए धरती पर आए थे, जिन्होंने बाद में जीसस क्राइस्ट का काफ़ी धन्यवाद भी किया। पर्वतों की बात की जाए तो कैलाश पर्वत में अभी भी कई राज छुपे हुए हैं। कहा जाता है कि खुद महादेव वहाँ पर बसते हैं। लेकिन अभी हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ ऐसी अनोखी बातें भी बताएंगे जो शायद ही आपको पता होगी। जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए, आपको इसमें कैलाश पर्वत की दूसरी साइड दिखाई दे रही होगी, लेकिन उसके अलावा एक और खास चीज इस फोटो में छिपी हुई है। अगर आपको पता चल गया कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं तो कमेंट में बताएं, और जिन्हें अभी तक पता नहीं चला उन्हें हम बता दें कि कैलाश पर्वत की दूसरी साइड में ओम का चिन्ह बना हुआ है जो पूरे पर्वत पर फैला हुआ है, और ये काफी रहस्यमय होने के साथ साथ ये दर्शाता भी है कि महादेव सच में इस पर्वत पर विराजमान होते थे। इतना ही नहीं, शाम के वक्त अगर कैलाश पर्वत को देखे तो वहाँ पर स्वस्तिक भी नजर आता है। गाइस, अगर आप भी महादेव जी के भक्त है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। बंदर की बात की जाए तो वे काफी खतरनाक जानवरों में से एक है, और बंदरों को जल्दी गुस्सा भी आता है जिस कारण इन्हें गुस्सेल माना जाता है। लेकिन थाईलैंड के एक टेंपल में ऐसा मोमेंट देखने के लिए मिला जिससे सभी सोच में पड़ गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बंदर इन मॉन्क्स के बीच में बैठा हुआ नजर आ रहा है, जो कि एकदम आराम से बैठा है और किसी को कुछ भी नहीं कर रहा। किसी बंदर को इतने शांत बैठते देखना बिल्कुल आम बात नहीं है, क्योंकि ये काफी चंचल स्वभाव के जीव है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और प्लीज वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें, इससे हमें खुशी मिलती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।